जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस आंसर की 2023 के बारे में, जो कि आपकी टीयर फर्स्ट की आ चुकी है। एंड ये जो आपकी आंसर की है, ये जो आपके फॉर्म आए थे 1198 आपके एमटीएस के और 360 आपके हवलदार के, इस भर्ती की आई है। तो आपको कैसे चेक करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, उसका प्रोसेस तो आपको बता ही जाएगा। साथ ही अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से आपकी आंसर की को चेक या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी इसको चेक डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करते हुए आइए और आपको इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में क्लिक करके यहां पर जो पहले वाला लिंक है एसएससी एमटीएस आंसर 2023 डायरेक्ट लिंक, ये ओपन करना है। अब गाइज यहां पर मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आया हूं, और ये सरप्राइज ये है कि अब मैं आपके लिए अनअकैडमी के ऊपर लाइव क्लासेस कर रहा हूं, और ये लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री में रहने वाली है। तो जो आप लोगों के सवाल आते रहते थे कि सर हमारे लिए क्लासेस शुरू कीजिए, तो फाइनली अब मैंने आप सबकी बात मानते हुए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपकी लाइव क्लासेस शुरू कर दी है, जिसमें कि यहां पर आपको एसएससी जीके हिस्ट्री क्वेश्चन हिंदी एनालिसिस किया जाएगा। यहां पर आपको जीके के के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो अगर आप यहां पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अलावा भी, तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे साथ में आप वन टू वन भी बात कर सकते हैं। क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो किसी का रिप्लाई कब मिलता है, किसी का कब मिलता है, और काफी सारे कमेंट्स आते हैं, बट यहां पर आपको वन टू वन आंसर किए जाएंगे। इसलिए आप एक बार इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ज्वाइन आप देख सकते हैं 17 सितंबर शाम 8 बजे आपको एक करनी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन करने का लिंक दिया है, साथ ही पिंड कमेंट के अंदर भी आपको लिंक दिया है। तो एक बार आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा मेरे साथ बात करने के लिए और क्लासेस को देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको 17 सितंबर रात 8 बजे, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर आपका रोल नंबर एंटर करेंगे, एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, और जो आपका पासवर्ड है वो आप यहां पर डालेंगे। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो आप यहां पर बिना किसी हाइफन के सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02/05/2000, तो आप 02/05/2000 सिंपली यहां पर लिख देंगे, एंड देन आप लॉगिन करेंगे। अब जो आगे का इंटरफेस है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दिखा रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी ऐसे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है जिसने कि ये फॉर्म दिया हो, सॉरी ये एग्जाम दिया हो। तो आप यहां पर जैसे लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में गाइज आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, और फिर आपको यहाँ पर जो आपकी अभी आंसर की का लिंक है वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस आंसर की को पीसी से ओपन कीजिए। पीसी से ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो एक सोर्सेज का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पर अगर कंप्यूटर से है तो आप कंट्रोल यू का इस्तेमाल कीजिएगा, तब आप यहाँ पर इसके सोर्स व्यू कर सकते हैं। एंड अगर आपने इसको मोबाइल से ओपन किया है तो आपको यहाँ पर HTTPS से पहले व्यू सोर्स, जो कि आप यहां पर डिस्प्ले में ऊपर की तरफ देख सकते हैं, व्यू सोर्सेस सोर्स आपको लिखना है और फिर आपको ओके करना है। इसके बाद आपके पास आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहां पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है DIGIALM। ये आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में आपको यहां पर जब जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये कहां कहां पर लिखा हुआ है। तो आप यहां पर ये और आपको यहां पर एक लिंक इनमें से ये वाला जो कि आपके सामने है, ये आपको यहां से HTTPS से कॉपी कर लेना है। इसको आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में जिस भी ब्राउजर के अंदर आपने आपका ये जो ओपन करके रखा है उसी में आप एक न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद में आपको ये लिंक यहां से लेकर के यहां तक कॉपी करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं HTML तक, और फिर न्यू टैब के अंदर जाकर के आप इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे आप इसको न्यू टैब में पेस्ट करेंगे, आपकी आंसर की यहां पर आ जाएगी। ये शुरुआत में रहता है, कुछ टाइम के बाद आप सिंपली लॉग इन करके अपनी आंसर की वहीं पर जहां पर आपको आपकी डिटेल दी जाती है एग्जाम की, उसके बराबर में टैब मिल जाती है, नीचे लिंक मिल जाता है, क्लिक है टू डाउनलोड, तो बाद में मिल जाता है। शुरुआत में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से आप इस ट्रिक के माध्यम से अपनी आंसर की को एक्सेस कर पाते हैं। तो आप यहां पर देख ले सकते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, वेन्यू नेम क्या है, एग्जाम डेट क्या है। इसके अलावा आपके यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ₹34 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को ₹26 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को
रुपये 36 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो जो इसका राइट आंसर है वो पहला है, और कैंडिडेट ने भी पहला ही ऑप्शन चूज किया, जिसका मतलब ये सही जवाब हुआ। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब है वो आप देख सकते हैं पहले वाले पर यहाँ पर टिक है, और कैंडिडेट ने भी यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन चूज किया है, जिसका मतलब इसका भी उसको आंसर यानी कि नंबर दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको आपके आंसर मिलान करना, आपको कमेंट के माध्यम से ये भी बताना है कि इस आंसर के अकॉर्डिंग आपके कितने सवाल सही आए, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपका कट ऑफ के अंदर चांस बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। तो बताना जरूर आपको कमेंट करके कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, और आप यहाँ पर आपके आंसर की बहुत ही सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया है, जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी आंसर की को चेक या फिर डाउनलोड कर पाएंगे। अब गाइज, अगर आप बताई गई जानकारी के माध्यम से अपने आंसर की को चेक या डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप चाहते कि मैं आपके आंसर की डाउनलोड करूँ, चेक करूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपको सबसे लास्ट में आना है, आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन कमेंट्स में नहीं देनी है, आप यहाँ पर आइए और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको आंसर की का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आप यहां पर आपका रोल नंबर और जो आपका पासवर्ड है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो लिखेंगे, और साथ ही आपको एक तीसरी लाइन लिखनी है, SSC MTS टियर फर्स्ट आंसर की 2023। ये लिखना अनिवार्य है, क्योंकि गाइज मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम की आंसर की रिजल्ट और जो एडमिट कार्ड है वो चेक डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट आती रहती है। तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लिखी, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किस चीज की इंफॉर्मेशन है और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए आप यहां पर रोल नंबर और जो आपका पासवर्ड है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होने वाली है, वो लिखिए, और SSC MTS टियर फर्स्ट आंसर की 2023 लिख दीजिए, एंड देन सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, और मेरे से जितनों को भी हो पाएगा वो आंसर की चेक और डाउनलोड करके उनके नंबर पर सेंड किया जाएगा, और उसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं किया जाएगा, यानी कि चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री सेवा रहेगी। और वो इसीलिए कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है और आप एक्साइटेड भी हो अपनी आंसर की देखने के लिए, तो आपको कोई चार्ज नहीं करना है, सिंपली आप अपनी आंसर की को फ्री में ले पाएंगे। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा आपके व्हाट्सएप पर उसका PDF सेंड कर दूंगा, और बस उसके बदले आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो एंड हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ आपको किसी भी तरह का चार्ज पे नहीं करना है। सो यही थी जानकारी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। आपको कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है कि आपके कितने नंबर बने हैं, एंड जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सरप्राइज दिया है तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा 17 सितंबर रात 8 बजे मुझे फ्री में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे SSC GK के क्वेश्चन और भी काफी सारी बातें होगी, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा।